नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और आज कोरोना में डॉक्टर स्पेशल, जिसके जरिए हम लगातार कोरोना के इस विषम परिस्थिति में अपने दर्शकों को जागरूकता दिखा रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि कैसे सतर्क रहना है। डॉक्टर्स का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात 8 बजे तमाम मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे कि आखिर इन परिस्थितियों से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियों की देश को जरूरत है। कोरोना का कोहराम आखिर कब तक, ये पूरे विश्व में सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन इस बीच क्या परिस्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है, कैसे उसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर क्या कहना है तमाम मंत्रालयों के अधिकारियों का, कैसे क्या कुछ किया जाए, इन सब पर आज प्रधानमंत्री रात 8 बजे चर्चा करेंगे। आप समझ लीजिए कि एक कोऑर्डिनेशन के तौर पर तमाम मंत्रालयों के बीच प्रधानमंत्री की ये पहल है, जिससे एक रास्ता निकल सके। विषम परिस्थिति है और ऐसे में हर मंत्रालय की तरफ से अधिकारी अपने अपनी तरीके से जानकारी देंगे और उसको एक साथ मिलाकर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। बहरहाल, अब आइए आपको अपनी दिखाते हैं ये रिपोर्ट, क्योंकि आज विश्व भर से तमाम डॉक्टर्स हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ेंगे। आपके मन में भी कई सवाल होंगे, आपको भी लगता होगा कि आखिर वैक्सीनेशन लगने के बावजूद भी हिंदुस्तान में इतने लोगों को कोरोना क्यों हो रहा है। संक्रमण की इस रेट को लेकर, रफ्तार को लेकर लोगों के मन में कई शंकाएं हैं, कौन कौन से म्यूटेंट स्ट्रेन हैं। इसके अलावा आपके मन में ये भी होगा कि बच्चों को इस बार इतनी तेजी से हो रहा है, उनको कैसे बचाया जा सकता है, बेड्स की कमी है, तमाम किल्लतों के बीच। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको देश विदेश के तमाम डॉक्टर्स के साथ इन्हीं सवालों के हल ढूंढने की कोशिश करें। अमेरिका में कहर ढा रही है वायरस की चौथी लहर, कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है यूरोप, महामारी की दूसरी लहर से बेहाल हुआ हिंदुस्तान। दुनिया भर में एक बार फिर खौफ बनकर छा गया है कोरोना। ये कोरोना की सुनामी है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब नजर आ रही है। अमेरिका में संक्रमण रोग प्रतिरोध और निवारण की प्रभारी एजेंसी CDC के मुताबिक कोरोना के 5 ऐसे स्ट्रेन हैं जिनकी संक्रामक क्षमता बेहद तीव्र हो सकती है और मुमकिन है कि उसकी वजह से मृत्यु दर और बढ़ जाए। यूरोप में भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सख्तियों का दौर चल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ सबसे ज्यादा कहर कोरोना वायरस का वो संस्करण ढा रहा है जिसे P1117 नाम दिया गया है। इटली में कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा भयानक बताई जा रही है, इसके लक्षण पकड़ में ही नहीं आ रहे। भारत में भी कोरोना की ये दूसरी लहर है और संक्रमण इस कदर बेकाबू हो रहा है कि रोजाना नए संक्रमितों की संख्या 2 लाख का आंकड़ा पार कर रही है, तो मरने वालों की संख्या भी 1000 से ज्यादा है। भारत में डबल म्यूटेशन वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। जानकारों का मानना है कि डबल म्यूटेशन वेरिएंट के कारण ही देश में कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। डबल म्यूटेशन वायरस ने इस महामारी से निपटने की चुनौतियां भी काफी बढ़ा दी है। अब तक कोरोना जांच के लिए सबसे सटीक माना जा रहा RT-PCR टेस्ट भी फेल हो रहा है। कोरोना रोज नए रूप बदल रहा है और बहुरूपीय को पहचानना मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अभी तीसरी चौथी लहर भी आ सकती है। सवाल है कि आखिर कोरोना से बचाव का रास्ता क्या है, भारत में वायरस का ये कहर कब थमेगा। आज तक ब्यूरो, परिस्थितियां विषम है, ये तस्वीरें ऐसी हैं जो हर किसी को दहला रही हैं, लेकिन विश्व भर ने ऐसे ही मंजर देखे हैं। शहर दर शहर जो परिस्थितियां बनी है विश्व में, वो सब इसी तरह से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि हमने आखिर कहां पर लापरवाही की, कैसे दूसरी लहर में ये संक्रमण इतना भारी हो गया है हिंदुस्तान पर। हमारे साथ हिंदुस्तान से ही जुड़े हुए तमाम डॉक्टर्स देश विदेश से अब जुड़ रहे हैं, जिनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि संक्रमण और इसकी रफ्तार के बारे में वैक्सीनेशन के बावजूद क्यों हो रहा है, ये तमाम सवाल पूछेंगे, और क्या वैक्सीनेशन को उसी तेजी से या फिर और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर मयंक वत्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट है एंड स्लीप फिजिशियन है, राशिद हॉस्पिटल दुबई मेडिकल सेंटर से, वो हमारे साथ दुबई मेडिकल कॉलेज से सीधा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षत जैन साहब
डायरेक्टर है ब्लड डिसऑर्डर्स के और जीन थेरेपी की लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हमारे साथ रविंद्र सिंह शेखावत साहब कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है माउंट नोवीना हॉस्पिटल सिंगापुर से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंगापुर ने भी देखिए बड़े सही तरीके से उस देश की का जिक्र होता है, उन्होंने बड़े अच्छे से इस पूरे कोविड को हैंडल किया है, कुछ वहां से समझने सीखने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जयवीर सिंह राठौर हमारे साथ है, न्यूरोलॉजिस्ट है, एपिडेमियोलॉजिस्ट है और ये को चेयरमैन है एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका यूएसए के। डॉक्टर रोमित पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि स्पोर्ट्स ऑटो एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, बोर्ड मेंबर हैं दुबई कोविड क्राइसिस कमिटी के इस वक्त, तो उनसे भी बड़े इंपॉर्टेंट इनपुट्स जिसको कहा जा सकता है मिलेंगे। डॉक्टर विक्रम तलावलीकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसोसिएट स्पेशलिस्ट हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल एनएचएस ट्रस्ट के, जो लगातार हमारे साथ कार्यक्रमों में ऐसे शामिल होते रहे। मुझे लगता है डॉक्टर विक्रम मैं आपके साथ इसलिए शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि लंदन ने दूसरी लहर को बड़े ही सकारात्मकता के साथ और बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ, एक तरफ उन्होंने लॉकडाउन भी किया, उन्होंने सख्तियां भी बरती, उन्होंने वैक्सीनेशन को जबरदस्त तरीके से एक ड्राइव बनाकर चलाया और अब हालत ऐसी है कि 1000 के आसपास केसेस आ रहे हैं और मृतकों की संख्या बहुत कम हो गई है। हिंदुस्तान इस वक्त दूसरी लहर के पीक पर है, अब हर तरफ जो मंजर है वो दहलाने वाला है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आज तो 2,34,000 है, लगातार थर्ड या फोर्थ डे है जब 2,00,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर विक्रम, यूके के एग्जाम्पल से क्या सुझाव देंगे आप हिंदुस्तान के लिए इस वक्त? और 2-3 सवाल है वैक्सीनेशन को लेकर, यहां पर वैक्सीनेशन के बावजूद कई लोगों को हो रहा है, इसका क्या संकेत है, इससे क्या लर्निंग है? धन्यवाद अंजना जी। पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हर एक देश थोड़ा सा अलग रहता है, उसकी ज्योग्राफी, उसका पॉपुलेशन थोड़ा सा अलग रहता है। भारत बहुत ही बड़ा देश है तो डायरेक्ट कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, पर 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये है वैक्सीनेशन का अगर देखा जाए तो जो चीज सबसे जरूरी है वो है वैक्सीनेशन को बढ़ाना। वैक्सीनेशन के बाद भी जिनको इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन तो होगा क्योंकि वैक्सीनेशन इन्फेक्शन नहीं रोकता है, पर जिनको इन्फेक्शन होगा उनको इलनेस बहुत सीवियर नहीं होगा और वो आशंका यह है कि वो नहीं मरेंगे। डेथ्स और सीवियर इन्फेक्शन जो वैक्सीनेटेड होते हैं उनको नहीं होगा, सिर्फ इन्फेक्शन माइल्ड हो जाएगा। और अगर एस्ट्राजेनेका की बात की जाए तो वो इन्फेक्शन फैलना भी थोड़े से रोक सकता है, इसीलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रैंप अप करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी है। दूसरी जो बात है लॉकडाउन की, लॉकडाउन किसी को भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मजदूरों को और थोड़े से सेक्टर्स इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो सकता है, पर जब जिंदगी मौत की बात आती है तो अभी लॉकडाउन जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं, जहां पे बहुत शहरों में जो इन्फेक्शन रेट बहुत ही बढ़ चुका है, बेड्स नहीं मिल रही है, वहां पे थोड़ा सा कंट्रोल लॉकडाउन करना बहुत जरूरी होगा क्योंकि ताकि लोग हॉस्पिटल तक ना जाएं, उनको ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं, इसीलिए लोग मर रहे हैं। ऐसा अगर नहीं सिचुएशन बनाना है तो लॉकडाउन की जरूरी बहुत बहुत जरूरत है। और यहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं, बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, वहां पे अगर कंट्रोल लॉकडाउन किया जाए और टेस्टिंग ट्रेसिंग, जो भी कोई आदमी पॉजिटिव मिलता है उसका प्रोएक्टिवली टेस्टिंग ट्रेसिंग करके उनको क्वारंटाइन किया जाए तो इस सिचुएशन पे कंट्रोल थोड़ा सा ला सकते हैं। तो वैक्सीनेशन और जहां जहां पे हॉटस्पॉट है वहां पे कंट्रोल लॉकडाउन, ये तो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है अभी। आपने सही बताया है और देखिए वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत तेजी से करने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री 8 बजे एक बैठक भी बुला रहे हैं, समीक्षा बैठक तमाम मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ, उस पर टीकाकरण पर भी समीक्षा होगी। भारत के पास तो अनुभव है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, इतनी बीमारियों का करते हैं, हमें एक नेशन वाइड ड्राइव की जरूरत है कि जल्द से जल्द, देखिए ना, एक टीका लगता है उसके बाद 1.5 महीने के बाद दूसरा लगता है, एक लंबा प्रोसेस होता है एक व्यक्ति को इम्यूनाइज करने का, इसीलिए इसमें तेजी लाने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर मयंक वत्स, मैं आपके पास अमेरिका के बारे में भी थोड़ी जानकारी जरूर दीजिएगा किस तरह से वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, क्या सबक हो सकते हैं, पर एक क्वेश्चन मेरा टेस्टिंग एफिकेसी को लेकर है और ये जो म्यूटेंट वायरस बताया जा रहा है वो मैं आपसे समझना चाहती हूं क्योंकि RT-PCR टेस्ट में भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है कोविड यहां इंडिया में और उसकी वजह से एक्सरे सिटी स्कैन भी डॉक्टर्स करा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है टेस्ट की एफिकेसी को लेकर? और ये जो डबल म्यूटेंट वायरस बताया जा रहा है कि वायरस ने 2 बार अपने आप को बदल लिया है, इसका क्या मतलब है और ये
म्यूटेंट वायरस कितना बड़ा खतरा हो सकता है विश्व भर में, वहां पर भी ब्राजील को लेकर अपेरेंटली बहुत चिंता है कि वहां से जो वायरस में म्यूटेशन हुआ है वो एक खतरा बन सकता है। डॉक्टर मयंक, आपको आवाज आ रही है? ये सवाल आपसे नमस्कार, पूछा है मैंने। नमस्कार अंजना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर जी दिस जी डिस्कशन। नमस्कार। जो अभी ब्राज़ील, यूके और ब्राज़ील के जो वेरिएंट आ रहे हैं, इनका इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इनमें म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका है वायरस के अंदर। तो जो पहले वाला COVID-19 वायरस था उससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये तुरंत इन्फेक्शन एक एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इमीडिएटली इन्फेक्शन पकड़ेगा और ख़तरनाक रूप से फैलेगा। तो हम सबको लाजिम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है और वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। वैक्सीन सबसे पहले जो जो लोग रिस्क में हैं, लाइक ओल्ड एज वाले पेशेंट जिनको क्रॉनिक डिजीज है, और जो कि हेल्थ केयर वर्कर हैं जो फ्रंट लाइन पे डायरेक्टली पेशेंट की केयर कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले उनको लगा करके और धीरे धीरे पूरी आम पब्लिक के अंदर वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है इस समय। जी, मैं आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर दरअसल एक सवाल पूछ रही थी, जो दुबई के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। लिए चलते हैं आपको अक्षत जैन साहब के पास। अक्षत जैन साहब, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह की जानकारी देंगे? डबल म्यूटेशन वायरस क्या है और आरटीपीसीआर में ये वायरस क्यों नहीं डिटेक्ट हो पा रहा है? इंडिया में कई जगहों पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको इसके बावजूद एक्सरे और सीटी स्कैन कराना होगा, ये क्यों हो रहा है? नमस्ते। आरटीपीसीआर जो एक टेस्ट है, जो जिसकी वजह से हम कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड जो म्यूटेशन है उसे डिटेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन जिसकी वजह से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर एक के बजाय दो म्यूटेशन इस प्रकार बन गए हैं, जैसे वायरस का स्ट्रक्चर दो बार चेंज कर हो गया हो। इसकी वजह से जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन है वो इतना फास्ट हो रहा है कि साइकल्स ऑफ टर्नओवर, सीटी जिसको बोलते हैं, वो इट इज सो क्विक कि जब उसको लेबोरेटरी में प्रोसेस किया जाता है तो अग्रेशन ऑफ द वायरस इतना फास्ट है कि उसकी वजह से आरटीपीसीआर में वो वायरस कई बार डिटेक्ट नहीं हो पाता है, नंबर वन। नंबर टू, जो टेस्टिंग और टेस्टिंग ड्राइव है, वो टेस्ट्स इंडिया में वेरियस पार्ट्स में अभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। टेस्ट अवेलेबल हैं, मगर टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन, इसका मतलब कि टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट वो रिलायबल नहीं है, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट का अभी नहीं हुआ है, या उन टेस्ट को अभी तक मॉडिफाई उन न्यू वेरियंट्स को डिटेक्ट करने के लिए नहीं किया गया है। सो जो टॉप इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, ICMR है, इंस्टीट्यूशन पुणे एंड बॉम्बे, वहाँ पे वो फैसिलिटी टू डू एडवांस्ड आरटीपीसीआर स्टैंडर्डाइज हो चुकी है, बट स्मॉलर एरियाज जहाँ इन्फेक्शन अभी फैल रहा है वहाँ पे अभी वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सो उसकी वजह से ये डबल म्यूटेशन, मीनिंग जो ओरिजिनल कोरोना वायरस था जो COVID-19 दिसंबर में पहली बार डिटेक्ट हुआ था वुहान चाइना में, उसका स्ट्रक्चर और आज के स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस है जीनोमिकली, या उस जेनेटिकली उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें दो बार मेजर म्यूटेशन हुए हैं, जिसकी वजह से उसका डिटेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो गया है। हैविंग सेड दैट, वो बोलने के बावजूद मैं ये बोलना जरूरी समझूंगा कि टेस्ट पॉजिटिविटी या टेस्ट नेगेटिविटी से ज़्यादा जरूरी है सिम्टम्स को मॉनिटर करना। इंडिया में आज बच्चा बच्चा, इंडिया क्या, पूरी दुनिया में आज बच्चा बच्चा COVID-19 के जो सिम्टम्स हैं वो जान चुका है, हेड एक, बॉडी एक, हाई फीवर, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ स्मेल, ये वो प्रिडोमिनेंट सिम्टम्स हैं जो COVID-19 के इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट्स को होते हैं। तो क्लिनिकली यही सजेस्ट किया जाएगा कि अगर किसी को ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या कोई कॉन्टैक्ट है जिसको कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटीन जो हम लोगों ने बहुत डिलीजेंटली अमेरिका में और इंडिया में लास्ट ईयर किया था, उसको करने की वापस जरूरत है ताकि सेकंड स्पाइक सबसाइड हो पाए। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फोर्थ जी, बिल्कुल हाँ बोलिए आप।
हाँ, नहीं बट सबसे डॉक्टर जैन, जरूरी चीज ये मैं है, जल्दी से एक ऐड करना चाह रही थी. देखिए, आपने कहा कि सिम्टम्स तो पता है, लेकिन एसिम्टोमेटिक कैरियर्स बहुत ज्यादा है. और दिक्कत सबसे ज्यादा ये आ रही है इंडिया में कि टेस्ट आप कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट 3 दिन बाद आ रही है. अब आप एक एसिम्टोमेटिक कैरियर है, आप आराम से घूम रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, और उसके बाद से आप पास ऑन कर रहे हैं, और फिर आपको चौथे दिन जाकर पता चलता है कि भैया हम तो पॉजिटिव हैं. अब इतने लोगों को आपने रिस्क जोन में डाल दिया है. ये जो देरी हो रही है, मुझे लगता है कि टेस्ट एफिकेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका. और जल्द से जल्द टेस्ट की रिपोर्ट मिले. जब तक रिपोर्ट ना मिले तो आइसोलेशन जरूरी है, क्योंकि अभी क्राइसिस सिचुएशन की नौबत आ चुकी है. मैं आपके पास लौटूंगी. डॉक्टर रविंद्र सिंह हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रहे हैं. डॉक्टर रविंद्र सिंह साहब, उन्होंने बताया कि कैसे बच्चे बच्चे को सिम्टम्स पता है, लेकिन एसिम्टोमेटिक कैरियर्स भी बहुत बड़ा हिस्सा है. मैं 3 सवाल आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहती हूँ सिंगापुर के कॉन्टेक्स्ट से, अगर आप हमें समझा सके. सवाल नंबर एक, ये कई लोगों को पहले जब शुरू में होता था एक व्यक्ति को, उसके बाद री इन्फेक्शन रेयर केसेस में बताया जाता था कि रेयर केसेस में री इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन अब री इन्फेक्शन इज बिकमिंग क्वाइट अ नॉर्मल. बहुत लोगों को री इन्फेक्शन हो रहा है. तो ये सबसे पहला सवाल. दूसरा सवाल, बच्चों में ये होना, और बच्चों में कहां पर जो वैक्सीनेशन है उसके ट्रायल्स भी शुरू हो गए, वो ग्राफिक जरा दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके. बच्चों के टीका के पहुंचने का कब तक हम इंतजार कर सकते हैं? रेमडेसिविर, तीसरा सवाल मेरा. रेमडेसिविर को लेकर बहुत ज्यादा कई डॉक्टर्स उसको पुश कर रहे हैं, लेकिन कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अभी तक कोई स्टडी ऐसी सीधी नहीं आई है जो कहे आपको कि इट इज अ कंप्लीट क्योर. ये 9 दिन आपका स्टे हॉस्पिटल में तो उसको घटा के 8 दिन कर सकता है, थोड़ा सा इफेक्टिव है. तो रेमडेसिविर की जो भूमिका है वर्सेस ऑक्सीजन, जो क्रूशियल बता रहे हैं डॉक्टर्स, किस पर फोकस रखना चाहिए जो एजेंसीज लड़ाई की तैयारी कर रही है? 3 स्पेसिफिक सवाल है सर आपसे. री इन्फेक्शन, बच्चे, रेमडेसिविर. नमस्कार अंजना जी, धन्यवाद. पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि मैंने अपने 10-15 साल के करियर में इससे तेजी से फैलता हुआ वायरस कभी नहीं देखा. और वायरस ही नहीं, ये जो लंग्स को जिस तरह से डैमेज करता है और जो हम सफ़ेद धब्बे देखते हैं, इतनी तेजी से हमने किसी भी वायरस के साथ आज तक नहीं देखा न सुना. जो स्पेनिश फ्लू की बात करते हैं बहुत पुरानी थी. अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि आपने कहा कि जो री इन्फेक्शन का जो रेट है, तो बिल्कुल री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. मेजॉरिटी जो कहते हैं कि 80-85% लोगों के अंदर एक एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में एंटीबॉडीज आ जाती हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज कितने समय तक रहेंगी, वो इम्यून सिस्टम जो होस्ट का है वो कब तक उसे संभाले रखेगा, वो अभी हमारे पास का कोई डेटा नहीं है. ये वायरस अभी भी अंडर स्टडी है, इसके बारे में हमें ये नहीं पता कि ये कितनी बार और म्यूटेशन कर सकता है. वायरस की प्रवृत्ति होती है कि वो म्यूटेट करेगा और वो सर्वाइव करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए हमें बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी. और दूसरी चीज आपने जो पूछी कि बच्चों के अंदर अभी तक जितने भी डेटा आए हैं, साउथ कोरिया, जापान से हमें सीधा डेटा आता है यहाँ पे, और हमारे पास में जो डेटा है वो ये है कि बच्चे अभी भी मोस्टली एसिम्टोमेटिक और जबरदस्त कैरियर बोलते हैं उनको, कि बहुत तेजी से फैलाते हैं वो बच्चे भी जो है, बुजुर्गों के साथ जब कॉन्टेक्ट में आते हैं तो बहुत तेजी से आते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमें पता चला है कि जो ट्रायल्स हैं वो अब फिनिशिंग स्टेज पे हैं, तो विद इन 1 और 2 मंथ्स के अंदर हमको ये खबर भी आने को मिल सकती है कि बच्चों के लिए टीकाकरण अब स्टार्ट होएगा. और ये तभी हो सकता है जब जवान लोगों का और बूढ़े लोगों का खत्म हो जाए. तीसरा आपने जो पूछा सवाल रेमडेसिविर के बारे में, वो भी बता दूं कि रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवाई है. सिंगापुर में इसका यूज किया गया था मार्च 2020 में, जब कुछ केसेस आए थे और उन केसेस में से तकरीबन 8 या 10 आईसीयू के अंदर एडमिट थे, तो उसे एक ट्रायल ड्रग के रूप में यूज किया गया था. और एक एंटीवायरल ड्रग है, इसका स्टडी उस वक्त नहीं हुआ था इसलिए ट्रायल ड्रग थी. उसके बाद में सिंगापुर ने भी स्टडी पब्लिश करी है और जापान, कोरिया और ताइवान से हमें बहुत सारे स्टडीज मिली और खासकर चाइना से भी स्टडी मिली. उन्होंने कहा कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड यानी अर्ली स्टेज में जो भी कॉम्प्लिकेटेड लंग इन्फेक्शन है, जिसके अंदर की लंग डैमेज बहुत ज्यादा हो गया और वेंटिलेटर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उस केस में रेमडेसिविर मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता है, यानी कि जो जो है डेथ्स हैं उनको कम करेगा. और उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर आया था. और धीरे धीरे ये ट्रायल्स जो हैं और इसके डेटा आए हैं, और उनमें सभी में ये आया गया कि बहुत इम्प्रूवमेंट इसके इसके साथ हुआ है. रेमडेसिविर के साथ और भी एंटीवायरल ड्रग्स आई हैं, उनका भी यूज हुआ है, लेकिन अभी तक जो डेटा आया है वो कोई ऐसा मेजर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ है किसी भी देश में इतना बड़ा जो क्लियरली बता दे कि रेमडेसिविर इज द ड्रग. तो अभी तक यही यूज किया जा रहा है कि केस बाय केस अगर कॉम्प्लिकेशन है और कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उन केसेस के अंदर मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए रेमडेसिविर को यूज किया जा सकता है. या इनके साथ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स को यूज किया जाता है, कहीं जगह आईवी स्टीरॉयड यूज किया जाता है, कहीं जगह एजाथ्रोपिन, कई तरह की दवाइयां हैं.
जो यूज की जाती है। इनफैक्ट आइवरमेक्टिन भी एक दवाई है जो कि पैरासाइट्स में यूज किया, उसका भी जो है देखा गया है कि ये कहीं ना कहीं कोविड वायरस को असर करती है। तो ये आपके संक्षेप में ये जो आपने जी 3 सवाल जी पूछने के जवाब है। मैं एक चीज और ऐड कर दूं, जो कि आपने मुझे बोला कि सिंगापुर के कॉन्टेक्स्ट में, इतना बता दूं कि जब 2003 में जब सार्स आया था सिंगापुर में, तो जो सीडीसी का गठन किया था सिंगापुर गवर्नमेंट, बिकॉज हम तैयार नहीं थे उस वक्त, और उस वक्त बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, कई डॉक्टर्स और नर्सेस की जान गई थी, उससे एक सीख लेके सरकार ने एक कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर बनाया, और उसका हर साल एक एक ट्रायल रन होता है। 2009 में जब H1N1 आया था तब इसका ट्रायल रन हुआ था। वो सारी की सारी जो ये जो गवर्नमेंट, ये जो सीडीसी का गठन हुआ है, सारी गवर्नमेंट एजेंसी से बात करती हैं, लोकल लीडर से, छोटे छोटे जोन में सारे एरियाज को डिवाइड कर दिया जाता है, वहां के लोकल लीडर से गठन हुआ है, ताकि जो सूचना भेजी जाए, जो कंफर्म न्यूज है गवर्नमेंट से, वो सीधी पहुंचाया जाए और नियमों का पालन हो, इन सब का ध्यान रखा जाए। तो ये टास्क फोर्स जो वहां नियमित करीब 2003 में, और 2009 2016 जो जीका आया था वहां भी ट्रायल रन किया गया था, और कब अब जाके 2019-20 में इस टास्क फोर्स का कहीं अब उपयोगिता दिख रही है कि 60,000 जो केसेस आए हैं उसमें सिर्फ 30 डेथ हुई हैं, और अब जो केसेस हैं वो 200 से 300 के मात्र रह गए हैं, और उसमें अभी कोई भी आईसीयू में नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात मैं मानता हूँ सिंगापुर के दृष्टिकोण से। जी, डॉक्टर जयवीर सिंह को दिखाई। डॉक्टर जयवीर सिंह, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ। बहुत सारे सवाल हैं और इसीलिए मैं लोडेड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ एक एक डॉक्टर से, तीन तीन स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए, जो मेरा पहला सवाल है सर, क्या कोई कोरिलेशन है? कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन लेते हैं और उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है कोविड का। कई ऐसे लोग हैं जिनकी एंटीबॉडीज का काउंट आ रहा है वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस लेने के बाद, उनमें एंटीबॉडीज भी बने हुए हैं लेकिन बावजूद इसके वो कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? तो सबसे पहले तो अंजना जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पैनल, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने कि डिस्पाइट जो है ना वैक्सीनेशन के बावजूद, और कईयों के अंदर जो एंटीबॉडीज भी आ जाती हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं आफ्टर यू नो वैक्सीनेशन, क्यों उन लोगों में वापस इन्फेक्शन हो रहा है? तो इसके कई पहलू हो सकते हैं। पहला तो ये कि इन्फेक्शन, जैसे मेरे पहले साथियों ने कहा कि इन्फेक्शन होने के फिर भी चांसेस रहते हैं, लेकिन एसिम्टोमेटिक यानी बिना किसी सिम्टम्स के, या फिर माइल्ड डिजीज होने का चांस होता है। तो भले ही इन्फेक्शन दोबारा हो जाए, और मेरी प्रैक्टिस में मैंने यहाँ यूएस में देखा है कि कई बार 3 से 4 बार एक पेशेंट के मैंने रेकॉर्ड्स देखे हैं जिसमें वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलते हैं, लेकिन अगर उनको इम्यूनाइजेशन हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है, तो वो सीवियर डिजीज या डेथ के चांसेस उनके बिल्कुल निल हो जाते हैं। माइनर डिजीज हो सकती है, एसिम्टोमेटिक डिजीज हो सकती है, जिससे कि वो बहुत ही जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। तो दैट इज नॉट ए मेजर कंसर्न अगर वापस इन्फेक्शन हो भी रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मास्क पहनना और अपना डिस्टेंस बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, और हाथ टाइम टू टाइम धोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि आप री डॉक्टर इन्फेक्शन के जयवीर, रिस्क को कम कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखिए, वैक्सीनेशन के बाद तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बीमारी का जो लेवल है, जो उसकी इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बहुत कम रहेगी। तो ऐसे में वैक्सीन बहुत जरूरी है और टीकाकरण ही सबसे बड़ा ड्राइव अभी दिखाई देता है जिसके जरिए हम इस बीमारी के खिलाफ लड़ सकते हैं। हम डॉक्टर अक्षत जैन, आपके पास मैं बच्चों को लेकर एक स्पेसिफिक जानकारी के बारे में आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर रोमित पुरोहित, जो हमारे साथ बने हुए हैं दुबई कोविड क्राइसिस कमेटी से, उनके पास आना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, वैक्सीनेशन के बावजूद जो कुछ लोगों को हो रहा है वो मैं डॉक्टर साहब से पहले भी पूछी थी, मैं इसकी बायोलॉजी और साइंस को समझना चाह रही हूँ, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि एंटीबॉडीज होने के बावजूद क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी बीमारी बीमारी और टीकाकरण, टीकाकरण से लेकर क्योर का पूरा फंडा ही यही है कि आपको एंटीबॉडीज बनाने हैं। अब एंटीबॉडीज होने के बावजूद अगर किसी को ये हो रहा है, तो बायोलॉजिकली साइंटिफिकली इसका क्या एक्सप्लेनेशन है सर? और दुबई के कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो दूसरी लहर में आप इस वक्त दे सकते हैं, बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अन्ना जी आपका और इस प्रोग्राम का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा राजस्थान फाउंडेशन का और श्री देवा श्रीवास्तव जी का, जो हम सबको एक साथ इस पैनल पर लेके आए। आपने बड़ा एक पुख्ता सवाल पूछा है कि हम ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं दुबई के अंदर कि तमाम जो इलाका है यहाँ पे वो नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है, और हमारी कोशिशों के करने से 95% हमारी रिकवरी रेट है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर कि
इन्फेक्शन और एंटीबॉडीज और इन सब के ऊपर हम सब वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन लोग ये चीज भूल रहे हैं कि हमें की पॉइंट्स पे फोकस करने की सख्त जरूरत है। पहली चीज, अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोविड फ्री हो गए हैं एंड आप कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे कि आप मार्केट प्लेस में पब्लिक एरिया में जाकर अपने आप को फ्रीली मूव ऑन कर सकते हैं। ये लोगों को सब समझने की जरूरत है। दूसरी चीज मुझे समझ में आती है कि हिंदुस्तान में तमाम ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल है, तमाम ऐसी एक्सपर्टीज अवेलेबल है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन फेलियर आ रहा है, जो दूसरे मुल्कों में अच्छा देखा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब वैक्सीन लेते हैं आप एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज ये पर्पज सर्व नहीं करती कि हमें दोबारा कोविड नहीं हो सकता, तो रिलैप्स होता है लेकिन उसकी सिवेरिटी कम हो जाती है। जो अभी नए तरीके के जो वेरिएंट्स आए हैं, जैसे VUI जो वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, B117, इसकी ट्रांसमिबिलिटी एज वेल एज इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। अब उसको रोकने के लिए इवन हम अगर वैक्सीन लगा रहे हैं तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स। RT-PCR के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमको पता भी नहीं चलता है कि कोई कोविड पॉजिटिव है। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है दुबई के अंदर कि हम चेस्ट एक्सरे और CT scan जो हम करते हैं उसके ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं कंपेयर टू RT-PCR। मेरे अपना खुद का तजुर्बा यह है कि मैंने जितने भी लोगों को चेस्ट एक्सरे किया और उसको जब हमने उसका आकलन किया तो पता लगा कि ये एक पॉजिटिव केस हो सकता है फ्यूचर के अंदर। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इन द स्क्रीनिंग प्रोसेस। सेकेंड थिंग, जो इसकी ट्रांसमिबिलिटी है, हम सबको पता है, अभी ये बहुत डिबेट चल रहा है कि ये एयरबॉर्न है या नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा से एयरबॉर्न था। तो फॉर्मेशन ऑफ एरोसोल, एरोसोल जब बन जाता है जिसके अंदर पार्टिकुलेट होता है, वो डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज पे। अगर वो पार्टिकल साइज बड़ी होती है तो 1 या 2 मीटर की दूरी पे जाके गिर जाता है, लेकिन अगर वो पार्टिकल साइज छोटा होगा तो वो ट्रांसमिट ज्यादा देर तक हो सकता है। इसलिए हम शुरू से ये बोलते आ रहे हैं कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फुट या 2 मीटर का रखें और मास्क को लगाएं। एक और चीज मैं नोटिफाई करना चाहता हूं कि हमारे भारत के अंदर जो मास्क हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो इतने ज्यादा बल्क में बन रहे हैं कि उनकी क्वालिटी के ऊपर कोई भी गौर नहीं कर पा रहा है। उनकी क्वालिटी इतनी डिप्राइव्ड है कि आर दे सुटेबल कि हम इस स्प्रेड को रोक सकें, क्योंकि 3-layer mask और 5-layer mask की जो क्वालिटी मैंने देखी है, ठीक है, वो इतनी स्पेसिफिकली बहुत एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। कुछ एक ऐसी चीज है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि डेफिनेटली एयरबॉर्न स्प्रेड होता है, कंसील्ड एंड कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर स्प्रेड होता है। तो और कुछ चीजें जो हमें भारत में करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर स्प्रेड को, जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग जो रेफर करती है, वो ये बोलती है कि वी नीड टू लुक इनटू द कन्फाइंड स्पेसेस। लॉकडाउन जोन वाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन को खोलने के बाद में जो वापस रिलैप्सेस आ रहे हैं उसको रोकने पर हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आप जहां पे भी काम कर रहे हैं, जैसे आपका खुद का अपना टीवी चैनल है, वहां पे कोई संक्रमित होता है तो हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं? तो वी कैन फोकस ऑन एयर फिल्टर्स, पोर्टेबल फिल्ट्रेशन यूनिट्स हो गई, अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी को लेके आना। आजकल एक नया चीज आया है UL867 आयनाइजेशन, विच इज फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनिंग। अगर हम इस सिस्टम्स को इन तमाम वर्क प्लेसेस पे लेके आएंगे तो हम युवाओं को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आप स्ट्रेंजली अगर आप देखें तो अभी जो नया स्ट्रेन आया है वो युवाओं को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि युवा एक ऐसी हमारी कम्युनिटी है, एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेसेंट है, क्योंकि उनके दिमाग में हमने ये फीडिंग कर दिया था शुरुआत के अंदर कि यूथ के अंदर ये कोई असर नहीं करता है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। ये सबको उतना ही इक्वली असर करता है। वैक्सीनेशन की जरूरत, सख्त जरूरत है इसकी, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक हमारा होप है अभी। और इसको लगाने के बाद में आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आपको सिम्टम्स आ भी सकते हैं और ना भी आए, लेकिन आप फिर भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन की सिवियरिटी जो है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर अक्षत जैन, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड जो सवाल है उसको आगे ले जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो डॉक्टर रोमित ने कहा है उसकी 3 बड़ी बातें मैं बार बार रीइन्फोर्स करना चाहती हूँ अपने दर्शकों के सामने। देखिए, आपको कानून से बचने के लिए या चालान से बचने के लिए मास्क नहीं पहनना है कि आपने कुछ भी पतला सा, एक सस्ता सा और जो क्वालिटी जिसकी खराब भी हो, जो रिक्वायरमेंट्स 3 लेयर्स के नहीं मीट करता है, आपने बस मास्क डाल लिया चेहरे पे, बताने को ट्रैफिक वाले को कि भैया हमने तो पहना हुआ है चालान। ये पर्पस नहीं है, आपको चालान से नहीं बचना है, आपको कोरोना वायरस से बचना है, अपनी जिंदगी बचानी है और संक्रमण दूसरे को ना हो ये बचाना है। तो प्लीज सही ढंग का मास्क ही खरीदें और सही मास्क ही पहने। चुनाव प्रचार के दौरान हमने कोलकाता में देखा कि पतले वाले लेयर्ड मास्क पार्टियां बांट रही हैं, उसको पहन के लोग घूम रहे हैं। ये मजाक है इस बीमारी के साथ। आपको मास्क
किसी को दिखाने के लिए, चालान से बचने के लिए नहीं पहनना है, आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए पहनना है, ये बहुत जरूरी है। साथ ही संक्रमण का खतरा जहां भी क्लोज एनवायरमेंट यानी बंद जगह हो, वेंटिलेशन कम हो, हवा अंदर बाहर कम जा रही है वहां ज्यादा होता है। तो आपने डॉक्टर साहब बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि एयर फिल्टर्स और कैसे हम वहां पर बेहतर करें, क्योंकि फ्लाइट्स भी जो एयरलाइंस है वो भी अब इस पर विचार कर रही है, क्योंकि फ्लाइट्स में संक्रमण फैलने का बहुत खतरा होता है। डबल मास्क को लेकर चर्चा हो रही है। ये दो तीन बातें मुझे लगता है कि बार बार दर्शकों को बताना जरूरी है कि देखिए मास्क पर बहुत ध्यान दीजिए, सही क्वालिटी का हो, आप सुरक्षित रखें, नाक को बाहर ना निकालें, प्रभु के लिए आपको नाक और मुंह दोनों को ढकना है ना। गले के लिए मास्क नहीं बनाया गया है तो गले पर कृपया उसे ना लटकाएं, आप प्लीज मास्क को एक तरफ से ऐसे नीचे निकालें और ठीक से मास्क पहने जिसमें मुंह और नाक आप ढक सके। अक्षत जैन साहब, बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में जरा नंबर्स भी दिखाई, जो डेटा हम दिखा रहे हैं, हमने वैक्सीनेशन की बात की है और ये वाले जो वायरस का स्ट्रेन अभी इंडिया में कई लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इस पर क्या बताएंगे आप? और मुझे लगता है सरफेस ट्रांसमिशन को लेकर एक सवाल है जो छूट ना जाए, मैं उस पर भी, चूंकि उन्होंने बताया कि देखिए एयरबॉर्न तो पहले से, द लैंसेट के एक आर्टिकल को लेकर आज चर्चा लगातार हो रही है कि एयरबॉर्न हो गया, लेकिन पहली लहर से कई लोग मान रहे थे कि जिस तरह से ये फैल रहा है कई यूरोपीय देशों में खासतौर पर, ये एयरबॉर्न ही है, लेकिन सर्फेस ट्रांसमिशन और सर्फेस के जरिए इन्फेक्शन फैलने पर भी अगर आप उसके बाद बता सकते हैं डॉक्टर जैन। जरूर। सो अंजना जी, मैं बच्चों चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, बच्चों के कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ, तो बहुत जल्दी हम लोग ये समझ गए थे कि कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है उसका प्रेजेंटेशन या उसकी बच्चों के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो बहुत यूनिक हैं, टू अ पॉइंट कि हमने एक पेपर पब्लिश किया था अर्ली लास्ट ईयर साइंटिफिक जर्नल्स में कि इस बीमारी का, कोरोना वायरस इन चिल्ड्रन, उस बीमारी का एक अलग नाम है जिसका नाम है MISC, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम फॉर चिल्ड्रन। ये एक बहुत ही यूनिक एंटिटी है और बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो अडल्ट्स को या बड़े लोगों को कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन हो रहा है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 4 months ऑफ एज, 3 या 4 महीने के बच्चे से लेके 12 से 13 साल तक एडोलेसेंट्स को हम लोगों ने डायग्नोज और ट्रीट किया है। उसके चीफ लक्षण हैं 4 से 5 दिन तक हाई फीवर आना, स्किन के अंदर रैश डेवलप होना, बच्चों के साथ हाई फीवर के साथ नाक, मुंह और आईज के अंदर रेडनेस होना। ये इलनेस जैसे ही डिटेक्ट हो उसका टाइमली आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। इस कंडीशन का नाम है अगेन MISC और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास 48 आवर्स की विंडो होती है जिसमें यदि वो ट्रीटमेंट जो इसका है, जिसको इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं IVIG, और स्टीरोइड्स यदि नहीं दिए जाएं तो ये लॉन्ग टर्म कार्डियक एन्यूरिज्म क्रिएट करता है, कार्डियक फेलियर क्रिएट करता है और एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 3 या 4 पेशेंट्स इंडिया से वर्चुअली मुझे रेफर होकर आए हैं वर्चुअल क्लिनिक्स में, जिसमें ये क्लियर कट है MISC सिम्टम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग में उसको, अर्ली डायग्नोसिस में। और ये एक मिस्टेक करना कि जब तक कोविड PCR पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक इस पर एक्ट करना उचित नहीं है, जरा कमी रहती है, इसलिए मैं ठीक है जी, वक्त की जरा कमी है। जल्दी से डॉक्टर मयंक जैन, दो लाइन में अगर आप, डॉक्टर मयंक वत्स माफ कीजिएगा, डॉक्टर मयंक वत्स, जल्दी से अगर आप सर्फेस ट्रांसमिशन पर जो इस वक्त की रिसर्च है और क्या जानकारी है, दो लाइन। अभी रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें बोल रहे हैं कि ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। अभी तक सब लोग ये मान के चल रहे थे, शुरू में ये था कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है वर्सेस सर्फेस ट्रांसमिशन है। सब लोग धीरे धीरे एविडेंस इकट्ठे हुए कि ये टच से फैलता है, सरफेस ट्रांसमिशन है। बट रिसेंटली भी पेपर पब्लिश हुआ, वो बता रहा है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। जैसे डॉक्टर ओमित ने बोला कि बेसिकली जब भी पेशेंट खांसी करता है या सांस लेता है तो मुझे लगता है ये दोनों तरह के ट्रांसमिशन है। तो हमेशा एटलीस्ट 6 फीट की दूरी बना के रखनी चाहिए। जब भी अपन पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं या पेशेंट कहीं पर हाथ लगाता है या उसकी जो मास्क है उससे रिलेटेड जो भी सामान है, लाइक मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको हमेशा अगर अपन टच करते हैं गलती से तो अपने को हाथ बराबर वॉश करना चाहिए। उसके लिए साबुन और पानी सबसे बढ़िया वो है, अल्कोहल, खाली अल्कोहल पे
अल्कोहल सैनिटाइजर पर रिलाय नहीं करें, अगर साबुन और पानी की व्यवस्था हो तो साबुन और पानी से लगभग तो मोबाइल और लैपटॉप भी बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर पेशेंट पेशेंट उसको टच नहीं करे आपके लैपटॉप मोबाइल को, लेकिन अगर टच करता है तो उसको लाजिम सैनिटाइज करना जरूरी है। ठीक है, मैं खुद हॉस्पिटल से आके अपने मोबाइल सैनिटाइज करता हूँ। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत जी सर वक्त की कमी, आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को आप सबकी जानकारी से और अनुभव से जो कुछ आपने बताया है काफी फायदा होगा ये समझने में, जो कई पहेलियां अभी भी इस बीमारी को लेकर है, क्योंकि हर दिन नए तरीके से कुछ ना कुछ नए मामले सामने आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक बात कांस्टेंट है, आपको ये फिजिकल डिस्टेंसिंग दूरी बना के रखनी होगी 6 फीट की, और मास्क सही ढंग से पहनना आपको बचाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद।